अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कहिए क्या हाल है। उम्मीद है आप अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे। आज जनाब मैं आपको एक ऐसी डिश हल्की फुल्की सी बहुत जल्द बनने वाली बताने जा रही हूँ जो कि एनर्जी से भरपूर है। जी अनाजों में बेसन भी एक अनाज है जो कि गज़ाइत के एतबार से बहुत अच्छा है। बेसन शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है, यानी डायबिटीज़ के लोग जो है ना अगर बेसन की रोटी खाएं तो उससे शुगर उनकी कंट्रोल में रहती है। नेचुरली साथ दवाई वगैरह भी खाएंगे। अच्छा जी, बेसन से हमारे यहाँ पकौड़े बनाने का बहुत रवाज है। हो ही नहीं सकता कि रमज़ान के रोज़े अफ्तारी करनी हो और किसी घर में बेसन के पकौड़े ना बनते हों। जी पकौड़े तो ज़रूर बनते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि पकौड़ों का फ़ायदा क्या है। जी बेसन जिस्म में पूरे दिन में होने वाली सेल्स की टूट फूट को रिपेयर करता है और आपको एनर्जी देता है। ठीक है, तो बेसन से ही आज मैं आपको एक मिठाई बताने जा रही हूँ जो कि मज़ेदार भी है, झटपट बन भी जाती है, ग़ज़ाइयत से भरपूर है और बना के इसको कई दिन के लिए आप रख सकते हैं। इसे ठंडा या गर्म दोनों तरह से इस्तेमाल करें, दोनों तरह से अच्छी लगती है। गर्मा गर्म जो है वो हलवे की तरह आपको अच्छी लगेगी, और अगर इसको ट्रे में जमा लिया जाए, उसकी टुकड़ियाँ काट ली जाएँ तो वो भी ठंडी सूरत में भी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो जनाब बेसन की ये मिठाई बनाने के लिए आपको चाहिए 3/4 कप बेसन, और इसके ऊपर मैंने कुछ इलायचियों के दाने निकाल के रखे हुए हैं, 3/4 कप चीनी, कुछ घी और 4 अदद अंडे, ये 4 अदद अंडे हैं, और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम, पिस्ता, अखरोट वगैरह जो भी आप लेना चाहें। अच्छा जी, मैं क्या करूँगी, अंडों को तोड़ के इनको मैं यहाँ रखती हूँ, इसको यहाँ रखती हूँ। अंडों को ऐसे करते हैं तोड़ के ना मैं इसमें ब्लेंडर में डालती हूँ। ये जो छिलके हैं इनको धो के आप क्रश करके जमा करते जाएं और ये मनी प्लांट में, रोजेस में डालें तो ये बहुत अच्छा खाद का काम करते हैं। छिलकों में कैल्शियम भी है, कैल्शियम का इंटेक इससे हो सकता है पौधों के लिए बहुत अच्छा। अच्छा जी, 4 अंडे मैंने ले लिए हैं। वैसे आप इस रेसिपी को डबल भी करके बना सकते हैं, मैं अक्सर डबल करके बनाती हूँ जब मैंने कभी ब्रंच वगैरह करवाना हो कुछ फ्रेंड्स का। और ये जनाब 4 अंडे मैंने तोड़ के इस ब्लेंडर में डाल दिए। अंडों के नीचे ये थोड़ा सा जो सफ़ेदी बचती है इसको उंगली से लगा के अगर आप आँख की इस साइड पे लगा ले तो ये जो लाइनें यहाँ पे पड़ी होती हैं ना उससे बहुत अफाका होता है। जी अब ये 1/4 कप जो मेरे पास चीनी थी वो मैं इसमें डालती हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसकी तार जो है वो लाना मुश्किल है, इसलिए मैं अब जा रही हूँ उधर इसको ब्लेंड करने के लिए। जी अंडे और चीनी हमने कर लिए ब्लेंड, अब हम जलाते हैं चूल्हा। उसके ऊपर रखती हूँ मैं पैन और यहाँ से लेती हूँ एक चम्मच। अच्छा, जब भी आप कोई हलवा या ऐसी चीज़ जिसको जमाना भी हो या गरम गरम भी खाना हो आपने, तो उसके लिए हमेशा आप घी इस्तेमाल करें, तेल नहीं। ये मैंने इसमें घी डाल दिया, देसी घी है ये। इसको गरम करते हैं। पैन मैंने शीशे का रखा है ताकि आपको बखूबी दिखाई दे सके। अच्छा जी, घी गर्म हो गया है, इसमें मैं इलायचियाँ और ये जो बेसन है मैंने माप के 1/4 कप डाला हुआ है ये डालते हैं और इसको भूनते हैं।
जितनी देर में मैं बेसन को भूनती हूँ आप ऐसे करें चाय पिए। बेसन भुन गया है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। और मज़े की बात है कि किसी चीज़ को जब आप भूनें तो करीब से उसकी खुशबू नहीं आती, दूर से आने वालों को ज़्यादा खुशबू आती है। इसलिए मैंने रबानी भाई से पूछा कि खुशबू आ रही है ना, तो तायीद हो गई है। अब एक चीज़ सॉरी मैं बताना भूल गई कि इसमें एक कप खोपरे का भी है, ठीक है। अच्छा जी, बेसन भुन गया, अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके हम डालेंगे अंडों का ये अमेज़ा। चीनी और अंडों का अमेज़ा और उसके साथ ही एक कप खोपरा, पिसा हुआ ये खोपरा। अब इसको हम हल्की आंच पे भूनेंगे। इसको हल्की आंच पे भूनते हैं। एक चम्मच ये वाला बड़ा वाला मैंने घी का डाला था। ये देखिए गाढ़ा हो रहा है, चम्मच चलाते जाएं, तेज तेज चम्मच चलाएं। चार अंडे, 3/4 कप चीनी, 3/4 कप बेसन, चंद इलायचियाँ और एक कप पिसा हुआ खोपरा। इसको आप इस तरह से भून लें और एक चम्मच बड़ा भर के देसी घी का, ऑयल नहीं सिर्फ घी, चाहे देसी हो या वनस्पति हो। जी गाढ़ा हो गया और हलवा हो गया हमारा बस तैयार। अब इसको मैं आपको बताती हूँ कि इसको सर्व कैसे करना है, ठीक है। जी बेसन की ये मिठाई, बेसन का ये हलवा हो गया तैयार। इसके अंदर मैं डालती हूँ कुछ नट्स। अच्छा जी, इसको आप एज इट इज़ सर्व कर सकते हैं इस तरह की किसी प्यारी सी प्लेट में डाल के, या फिर चिकना लगी एक ट्रे लें, उसके अंदर आप हलवे को डालें। ये होगा सब आपका ठंडा हलवा। हलवा हमने एक चिकना लगी ट्रे में डाल लिया, इसको ऐसे दबाते हैं। अगर आप इसे डबल बना रहे हैं तो आप बड़ी ट्रे लेंगे इसे डबल साइज़ की। इसके ऊपर हम डालते हैं नट्स, ये हमने डाल दी है नट्स, और नट्स को देते हैं फैला। इसको रखेंगे हम ठंडा होने के लिए। जब ये कदरे ठंडा हो जाएगा फिर हम ऐसे करेंगे। यूं, फिर यूं, जी तो ये हो गया हमारा हलवा तैयार, यानी मिठाई जो है बेसन की और अंडों की, बहुत मज़ेदार। और जब ये जम जाए तो फिर आप इसकी टुकड़ियाँ काट सकते हैं और इसको फिर फ्रिज में रख दें और फिर इसको अफ्तारी के मौके पर खाएं।
यकीनन आपको एनर्जी भी देगा। और इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, है ना, आसान और मज़ेदार भी, आपको भी अच्छा लगेगा, ज़रूर बनाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।